Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार और बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर यानी कि नीरज पांडे, इन दोनों की जोड़ी के किस्से तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। इन दोनों की जोड़ी ने काफ़ी धमाकेदार फिल्में हम सबको दी है, जिनमें से शामिल है नाम सवाना, बेबी और स्पेशल 26 के साथ में रुस्तम। दोस्तों काफ़ी धमाकेदार फिल्में इनकी जोड़ियों ने दी है। अब आपको बताते हैं कि इनकी जोड़ी एक और फिल्म साथ में देने वाली थी जिसका नाम है क्रैक, लेकिन वो डिब्बा बंद साबित हुई और अब वापस से क्रैक को खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसके अंदर अक्षय कुमार एक साइको का किरदार निभाने वाले हैं और ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हटके होने वाली है और जैसे ही ये फिल्म रिलीज़ होगी आप लोगों को पता लग जाएगा कि अक्षय कुमार ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि अक्षय कुमार इस बार धमाकेदार एक्शन के साथ में आने वाले हैं जो कि एक साइको के अवतार में आप लोगों को नजर आएंगे। दोस्तों नीरज पांडे का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और नीरज पांडे इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार के साथ ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अक्षय कुमार ही हैं जो कि बॉलीवुड में ऐसे किरदार भी निभा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार क्रैक में कितना धमाकेदार एंट्री और धमाकेदार एक्शन करते हुए नज़र आने चाहिए? आपको बता दें कि अभी अक्षय कुमार रोबोट 2.0 और उन्हीं के साथ में गोल्ड की प्रमोशंस में लगे हुए हैं और अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार एक धमाकेदार एंट्री के साथ फिर से 2019 में आने वाले हैं, तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्रैक को कौन सी रिलीज डेट मिलती है और कब क्रैक की वापस से शूटिंग चालू होती है। दोस्तों आपको इस फिल्म क्रैक का कितना इंतज़ार है, जो कि एक नए टाइटल के साथ आएगी, इसका कितना इंतज़ार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा बॉलीवुड जंक्शन को, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी आपको बॉलीवुड की खबर सबसे पहले।